नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन की चिकित्सा। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कॉन्स्टिपेशन की विभिन्न प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। वो अलग अलग कोष्ठ और प्रकृति के हिसाब से बदल जाती है। सबसे ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप रेगुलर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने नज़दीक में आयुर्वेद चिकित्सक से कंसल्ट करें और उसके अनुसार अपने चिकित्सा दिए गए उनके निर्देशों का फॉलो करें, पालन करें। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन की कब्ज़ की चिकित्सा में अस्थायित्व। अगर अस्थायित्व नहीं आएगा तो आप धीरे धीरे आपका रोग और कठिन होता जाएगा। ऐसी स्थिति में आप चिकित्सक के कंसल्ट के अनुसार फॉलो करें। फिर भी दोस्तों, कुछ ऐसी औसत चिकित्सा के बारे में हम आज चर्चा करेंगे आपसे, जो अगर आपका कॉन्स्टिपेशन मृदु या मध्यम कोष्ठ का है, यानी कि हल्की फुल्की कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उन औषधियों के उन विकल्प जो विरेचनोपग औषधियाँ हैं उनसे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप इनका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी औषधियाँ जिससे आप अगर कब्ज से परेशान हैं तो उसमें आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं उन औषधियों के बारे में। दोस्तों, मृदु विरेचक औषधियों में पहला नाम हरिद्की का आता है। छोटी हर्रे अगर आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में रात को गुनगुने पानी से ले सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका सुबह जो है मोशन ठीक होगा। हरिद्की जो है आपके भोजन का पाचन करते हुए वायु का अनुलोमन करती है। ऐसी स्थिति में हरिद्की से आपका पेट साफ होगा। अगर आप उसको सैंधलवण से अगर मिला के लेते हैं तो और बेहतर लाभ मिलेगा। तो हरिद्की का सेवन आप रात में गुनगुने पानी से ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, त्रिफला चूर्ण। अगर आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर हल्की फुल्की कब्जियत है तो त्रिफला चूर्ण से भी आपका पेट साफ़ हो जाएगा। और चूंकि त्रिफला तीनों दोषों को सम रखती है, वात पित्त कफ तीनों दोषों को समान रखती है, ऐसी स्थिति में त्रिफला चूर्ण को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आप रात में गुनगुने पानी से ले सकते हैं। आप त्रिफला चूर्ण का सेवन सुबह भी कर सकते हैं और शाम भी कर सकते हैं, दोनों समय भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पाचन करते हुए आपके मल का निस्सारण करेगी, यानी कि मल को साफ करेगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों, त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से ले सकते हैं, बेहतर लाभ मिलेगा। दूसरा है दोस्तों, अमलतास। अमलतास की जो गुद्दी होती है 10 से 20 ग्राम की मात्रा में 100 ml पानी में, उसका 100 से 200 ml पानी के क्वाथ में उसको पका करके अमलतास की का काढ़ा आप ले सकते हैं। उसमें चाहे तो आप घृत 2 चम्मच घी भी उसमें डाल सकते हैं, इससे आपका पेट साफ होगा। लेकिन अमलतास की गुद्दी आप बहुत रेगुलर न लें। खासतौर से कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसमें आयुर्वेद के चिकित्सक का परामर्श बहुत आवश्यक हो जाता है, तो आप हरिद्की चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण लग सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर कब्जियत थोड़ी सी हार्ड है, ज़्यादा कब्जियत है, यानी इससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो जो कैस्टर ऑयल होता है, एरंड तेल, उसको आप 20 से 25 ml की मात्रा में रात में गुनगुने पानी में मिला के पी सकते हैं। तो ये कुष्ठ शुद्धि, यानी कि आपके मल का विबंध तोड़ करके, चिकनाई बढ़ा करके और मल को बाहर कर देती है, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा सा दूर करती है। लेकिन कैस्टर ऑयल का सेवन आप रेगुलर यूज ना करें। बेहतर होगा कि आप चिकित्सक से कंसल्ट करके उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉलो करें। एरंड तेल से बेहतर पेट साफ होगा। मात्रा मिनिमम रखें, अगर ज़्यादा मात्रा लेंगे तो ये आपको दस्त करा सकती है, यानी कि आपका मोशन 8-10 बार 20 बार तक भी मोशन हो सकता है। तो आप उसका 10 से 15 ml 20 ml तक की मात्रा में ही एरंड तेल का सेवन गुनगुने पानी से कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अगर आप दूध रात में लेते हैं, दूध का सेवन करते हैं, तो आप उसमें 2 चम्मच से 3 चम्मच घी उसमें मिला कर लें, उससे भी आपका पेट साफ होगा, सुबह मोशन ठीक होगा, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसको आप रेगुलर ले सकते हैं। अगर आपका पाचन बेहतर है तो गुनगुने दूध में 2 चम्मच घी मिला के आप रात में पी सकते हैं। इनका सेवन आप कर सकते हैं रात में। कुछ दूसरी औषधियों का उल्लेख आता है, उसमें अभयारिष्ट का सेवन आप कर सकते हैं। 15 से 20 ml 25 ml तक की मात्रा में गुनगुने पानी में मिला करके संभाग जल में 2 बार सुबह और रात भोजन के बाद ले सकते हैं। आप कुमारी आसो का सेवन कर सकते हैं, या जो एलोवेरा होता है उसका जूस भी आप ले सकते हैं। इससे पेट साफ होता है, पेट साफ होने में मदद मिलती है। दूसरा एक चूर्ण होता है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण भी आप 3 से 6 ग्राम की मात्रा में भोजन के बाद ले सकते हैं। अगर मृदु या मध्यम कब्जियत है, हल्की फुल्की कब्जियत है, तो अभिपत्तिकर चूर्ण आपके पेट का, आपके मोशन को, आपके भोजन का पाचन करते हुए पेट साफ करने में मदद करती है। अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप मुनक्का का सेवन करें, 10 से
10 से 12 मुनक्के जो है आप उसको खा सकते हैं, या पानी भिगो के ले सकते हैं, या उसका काढ़ा भी बना के आप मुनक्के का सेवन कर सकते हैं, उससे भी पेट साफ़ होता है। इसबगोल की भूसी यानी कि अतिरिक्त फाइबर की मात्रा आपके भोजन में हो तो इसके लिए आप इसबगोल की भूसी भी 2 चम्मच गुनगुने पानी मिला के रात में ले सकते हैं, या दूध में मिला के, गर्म दूध में मिला के रात में इसका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों गोमूत्र से भी पेट साफ़ होता है, अगर आप गोमूत्र ले सकते हैं तो कम से कम 15 से 20 ml 50 ml तक की मात्रा में आप उसको रात में सोते समय ले सकते हैं या दिन में भी उसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर जैसे कुछ सब्जियां हैं उन सब्जियों में भी ऐसे गुण होते हैं जो आपके पेट को, आपके भोजन का पाचन करते हुए मल को साफ़ करने में मदद करती है। उसमें आपका करेला आता है, करेले का अगर आप जूस लें तो उससे भी पेट साफ़ हो जाएगा। करेले की अगर आप सब्ज़ी खाते हैं तो उससे मोशन पाचन होते हुए पेट साफ़ होता है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त फाइबर भी होता है। परवल की सब्ज़ी का सेवन कर सकते हैं, कुंदरू का सेवन कर सकते हैं, साग, पालक या बथुआ सबसे श्रेष्ठ है, बथुआ का सेवन आप कर सकते हैं। अगर अदर साग दूसरे सागों का सेवन करते हैं तो उसको रेगुलर न लें, आज खाएं तो कम से कम 3 से 4 दिन के उपरांत ही दूसरी बार साग का सेवन करें, उससे भी पेट साफ़ होता है क्योंकि उसमें लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है और पाचन में मदद करता है। साथ ही दोस्तों सूरण, एक सूरण कंद आता है उसकी सब्ज़ी आप ले सकते हैं, चोखा ले सकते हैं, मूली का सेवन, उसके पत्ते का चाहे उसके कंद का, दोनों का सेवन कर सकते हैं, मुनक्का का सेवन करना ही है। नेनुआ और लौकी है ये भी पेट साफ करने में मदद करती है, इनका भी सेवन आप सब्जी के रूप में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप गन्ने का रस लेते हैं, गन्ने का शरबत पीते हैं तो उससे भी आपका पेट साफ होता है, और गुड़ का शरबत भी घोल के बना करके पी सकते हैं, उससे भी पेट साफ होने में मदद करती है। और दोस्तों एक गुलकंद होता है, गुलकंद का अर्थ है जैसे गुलाब की पत्तियाँ होती हैं उनका गुलकंद बनाया जाता है, उससे भी आपके भोजन का समय पाचन होते हुए पेट साफ़ करने में मदद मिलती है। साथ ही दोस्तों आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, अंजीर, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इनका सेवन आप कर सकते हैं, मूंगफली का दाना ले सकते हैं, इससे अतिरिक्त स्नेह आपके शरीर में जाता है, फाइबर का भी मात्रा इसमें होती है, उससे भी पेट साफ होता है। साथ ही दोस्तों आप गुनगुने जल का सेवन कर सकते हैं, गुनगुने जल से भी पेट साफ होने में मदद मिलती है क्योंकि ये वायु का अनुलोमन करता है, भोजन का पाचन करते हुए पेट साफ करने में मदद मिलता है। दोस्तों आज जो औषधियों के विकल्प थे इनके बारे में चर्चा हुई है। आप अगर मध्यम कोष्ठ के हैं, हल्की फुल्की कब्जियत रहती है, मध्यम कब्जियत रहती है, तो आपको इन औषधियों के सेवन से, इन औषधियों के पालन करने से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। फिर भी अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप आयुर्वेद चिकित्सक से कंसल्ट करें और उनके अनुसार फॉलो करें। तो दोस्तों आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।